आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। कल शहर बीजापुर के रेलवे स्टेशन के करीब के दुकानों को अवैध बताते हुए बीजापुर कॉरपोरेशन द्वारा अतिक्रमण कर दुकानों को गिराया गया। दस्तावेज दिखाने के बावजूद भी कॉरपोरेशन अधिकारियों द्वारा अनदेखा कर दुकानों को गिराने का चंद दुकानदारों ने आरोप लगाया था, जिसके चलते आज एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR ने रेलवे स्टेशन के करीब गिराए गए दुकानों का मुआयना किया। दुकानदारों की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें कानूनी तौर पर मदद दिलाने का भरोसा दिलाया APCR के पदाधिकारियों ने। इस अवसर पर APCR के नेशनल फाउंडर मेंबर एडवोकेट महमूद काजी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट DS काजी, सेक्रेटरी रियाज यकीन, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद साकिब, एग्जीक्यूटिव मेंबर अतीबुल्ला इनामदार के अलावा APCR के कई पदाधिकारी थे मौजूद। जितने दुकान है मेरी दुकान क्या आपका दुकान पूरा गिरा दिया? पूरा गिरा दिया। नया कब कंस्ट्रक्शन किए थे? अभी एक ही बहुत एक हफ्ता हो गया। ये जो इनका है जो स्वरूप भाई अन्नप्पा कलाल साहब जो है इनका जो है न्यूली बनाया हुआ जो है शॉप है ना आपका? सर बना रहे थे, सर बना रहे थे अभी उस शॉप को जो है। आपके दुकान जो किराए कितना नुकसान हुआ तुम्हारा? 3 लाख। 3 लाख तक इतना खर्चा हुआ है तो हमें इसके क्या करना? देखो हमें गरीब है, रात खाने वाली हमें नाम बोलो। मेरा नाम देवानंद है, अन्नप्पा कलाल है। जागे घर से घर बस्ते से छाती फोड़ ले को हमारा बाप मर गया। हमें शिलाब भाग को गरीब बस्ती में करना करे थे, शिलाब भाई थे, 2 लाख रुपए खर्चा करे थे, हमारा बाप छाती फोड़ को मर गया। मेरा नाम देवानंद कलाल। ये महीना हुआ जिस स्लैब भाग के वो भी ओपनिंग भी नहीं करे उसको। अच्छा। पानी अभी ओपनिंग नहीं करे, क्या भी नहीं करे, वाम कर को करे सर। आप वाम वाले नहीं देखा तो हमें फांसी वाले ना पड़ता है। और हमारे पेपर्स भी देखी नहीं, नीट तो देखे हमारे पेपर्स भी देखे, नोटिस ना देखो हमारा ऐसा डायरेक्ट एक दिन बोले रात सुबह देखेंगे। कोशिश कानूनी तौर पर जो भी मदद करते हैं मैं कोशिश करता है। नाम जाते वर्षी इनका वो होटल है सर, फूड रजा का मालकी से सर हो क्या नहीं गिराते खाली सज्जा मारते हैं और वो तो पूरी बिल्डिंग को टच करे सर। क्या नाम? अब्दुल रजाक मुद्दीन अख्तर। ये है क्या उसका? ये पेपर साइंस के? हाँ है सर। है सर तुम्हारे पेपर साइंस? हाँ सर। मालकी जगह है सर, पेपर वाला था पानी उतरे डे डे उतरे मुद्दीन वो काउंटर सो होता सर क्या नहीं लगाते काउंटर गिटर सो भी छोड़ गए बाटल डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास थे? ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास मौजूद है? टाइमिंग दिए नहीं, कुछ भी नहीं दिया मालक, क्या भी नोटिस भी दिए नहीं, हमारा प्रॉपर्टी भी दी, हमारा प्रॉपर्टी भी पेपर्स भी नहीं देखे। नुकसान हुआ हमारा, बहुत बड़ा नुकसान है। शटर जो है देखो सामने का जो भी शटर पहला तुम्हें काट लो बोलते 2 घंटे के अंदर हमें शटर कैसा काट लिया? 3.5 लाख रुपए नुकसान हुए। टाइमिंग भी दिए नहीं हमारे को, सुबह 6 बजे आपको पूरा काटने लगाए और आधा माधा काटे जो ये ATM का अभी थोड़ा रखे उधर का भी थोड़ा रखे आधा माधा काट के ये करे। 10 फीट भी टाइमिंग दी नहीं उन्होंने गाली सामने क्या बोले सड़ करो बोले कल ये शनिवार दिन रात को तो ये जो लीगली प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स दिखा तुम बोले बाद में भी निकाले? नहीं देखे उन्होंने पेपर, हम नहीं देखते। हम जो काटने वाले रेलवे के जो आए जो हमारे हाथ पे है हमें काटने वाले बोले उन्होंने और सर्वेर आपको नो मुजनी कर को मार्किंग करे मार्किंग कर को एक सामने के सड़क काट लो तुम्हारा अत्या बोल को बोले हमें वो हिसाब से हमें सामने के सड़क काट ले उन्हों सुबह सुबह संडे दिन सुबह सुबह आपको सीधा GCP डाल छोड़े और क्या मतलब सामने वाले का छोड़े
सामने का एटीएम है वो है बोल के छोड़े, ये एक दुकान हमने छोड़ देते तो हमारा भी शटर, हमारा मटेरियल 2-2.5 लाख रुपए का मटेरियल था, नुकसान हुए सो होना तो दिखा दो, ये दिखा दूंगे शटर सामने हमारा मटेरियल पूरा, ये हमारा मटेरियल अभी आधा मटेरियल पीछे इधर उधर पड़े वो जो है दालियों को गए मुसी पटेल दाले गए चले नजीरा मत पड़ी बेटे नहीं थे हाँ बड़े बेटे हमारे अम्मी का काम कर रहे हैं जमीला मदन बात कर रहे हैं मैं कर रही हूँ जमीला मदन हाँ दूसरा नंबर जमीला मदन और मांग का नाम लिखो राजा जी पड़ी हमारा नाम क्या बोले जमीला मदन आपको एक मोबाइल दुकान साइकिल का दुकान एक पहले था तो ये साइकिल दुकान जब सी क्या मैं 70 साल जी उन्होंने टैक्स भर लेते हैं कैसे टैक्स भरते हैं उनके पास ही पेपर है वो सब है फिर भी ऐसा अचानक आपको हमारी तरफ से बीजापुर में जो है एपी शार के प्रेसिडेंट के साथ में अतीब जो है इनामदार साहब वो भी हमारे साथ मौजूद थे ब्लड बैंक के ये हैं मिर्जापुर के सुल्तान ब्लड बैंक के और वो भी मौजूद थे हमारे पास सर्वे करने के साथ साथ में इनके साथ रियाज वकील साहब थे काजी महमूद काजी साहब हैं साकिब काजी साहब हैं ये सब हमारे एपीसीआर के लोग हैं हम सब मिलकर यहाँ का सर्वे किए हुए हैं इसके बावजूद जो है जो भी नुकसान इनका भरपाई करेंगे इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट को हम लिखेंगे कि जो भी लीगली तौर पर जो डिमोलिश किया गया है ये कानूनी तौर पर जो भी मदद हमारी होगी हम इंशाल्लाह इसे करने की कोशिश करेंगे आज हम एपीसीआर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ये ऑल इंडिया लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कानूनी मदद करता है और यहाँ पर हमें देखकर अफसोस हुआ कि गरीबों के दुकानें घर वगैरह जो है सब कॉरपोरेशन की तरफ से गिराए गए हैं ये मालूम करके भी हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसमें कुछ लोगों के लीगली डॉक्यूमेंट्स भी हैं लेकिन उन्हें बोलने का करने का मौका नहीं दिया गया और उनके पूरे दुकान और उनके घर वगैरह गिराए गए हमारी हमदर्दी इन गरीब लोगों के साथ है और एपीसीआर की तरफ से एक कानूनी सेल है हमारा एपीसीआर की तरफ से जो कानूनी मदद हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो मदद करेंगे आपसे गुजारिश है कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स कोई मौजूद है तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट जेरोक्स करके हमारे प्रेसिडेंट डीएस काजी साहब हैं उनके पास उनका नंबर लो और उनके पास जो है वो पहुंचा डाल और उसके बाद जो है देखेंगे कितना क्या हो सकता है क्या कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे और एपीसीआर कर्नाटक और एपीसीआर नेशनल यूनिट को भी हम समझाएंगे कि ये यहाँ पर इस तरह का मामला हुआ है जैसा इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आते हम जो है उसको फॉलो करेंगे उसके साथ साथ यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं वो जिम्मेदारों से भी हम मुलाकात करके बात करेंगे इसके सामने से और देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है वो करने की कुछ नाम मेरा नाम महमूद काजी एडवोकेट मैं एपीसीआर का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और फाउंडर मेंबर हूँ मेरा नाम डीएस काजी एडवोकेट बीजापुर से बोल रहा हूँ मैं एपीसीआर का प्रेसिडेंट हूँ बीजापुर का यहाँ पर हम लोग जो है इस रेलवे स्टेशन के पास जो है यहाँ लोगों के सर्वे के लिए आए हुए थे जो इलीगली डिमोलिश करके उन्होंने नाम दिया गया है लेकिन इलीगली डिमोलिश नहीं हुआ बल्कि लीगली तौर पर भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों का भी जो है दुकानें और जो है होटल वगैरह जो है यहाँ पर निकाल दिया गया है जो रोजी रोटी पर वो डिपेंड करते हैं इसके लिए हम जो भी कानूनी सेवा या कानूनी जो भी मदद होगी हम इन लोगों को करेंगे इंशाल्लाह
और जो है इन लोग जो भी मेरे पास यहाँ पे नाम लिखाए हुए हैं और उनका सब सर्वे रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है और उस सर्वे के हिसाब से जो है हम लोग उनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने की इंशाल्लाह पूरी तरह से कोशिश करेंगे। मेरे साथ महमूद काई साहब और रियाज सनीगर साहब, ये सब सेंट्रल के APCR के हैं, हमारे मोहम्मद काई साहब जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और मैं सब रियाज सनीगर साहब मौजूद हैं, उन्होंने जो है हमारे बीजापुर के एग्जीक्यूटिव मेंबर में हैं और रियाज यकीन साहब भी हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं, रियाज यकीन जो सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के, और वो सब हम मिलकर जो है यहाँ पर जाकर जो है लोगों से जो है उनकी ग्रीवेंसीज हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं और उनका जो यहाँ पर जो गिराया गया हुआ मकाने हैं या दुकानें हैं, इन लोगों से हम जो है मालूम हासिल किए हैं और इसके हिसाब से हम लोगों ने उनके लिए मदद करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जो भी कानूनी तौर पर जो भी मदद होगी हम इनको करेंगे इंशाल्लाह। और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।